जा रहे हैं भैया, आ गया नोटिफिकेशन नहीं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, भाई आ जाओ भाई, सभी लोग फटाफट से सभी लोग ज्वाइन हो जाओ भाई, सभी लोग आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी जानते हैं कि हमारी एक बजे की कौन सी क्लास होती है, प्रैक्टिस क्लास होती है। ठीक है बेटा, अच्छा क्या कह रहे हैं अनुज ऑफिशियल और चाचा के दुलारे और हमारे प्यारे अभिनव सर, कैसे हैं आप? बेटा हम तो बहुत बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हो, आप कैसे हो भाई? और सभी लोग, जितने भी लोग बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, वो कैसे हैं? ठीक है, आ जाओ भाई सभी लोग फटाफट आ जाओ। तो भाई फटाफट से सभी लोग आ जाइए भाई, फटाफट से सभी लोग एक बार शेयर कर दो क्लास को, और एक बार सभी लोग बच्चों, प्यारे बच्चों सभी लोग लाइक कर देंगे। ठीक है, एक बार सभी लोग जय हिंद सर, जय हिंद बेटा, जय हिंद अनुज ऑफिशियल। बेटा बिल्कुल अच्छी बात, अच्छे हैं हम, आप बताइए आप कैसे हो? और मेरे सारे प्यारे बच्चों आप सभी लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, जय हिंद सर श्यामवीर यादव, जय हिंद बेटा हिमांशु यादव, जय हिंद। ठीक है, अच्छा बच्चों हम आपसे बताने चल रहे थे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका एयरफोर्स का पेपर नजदीक आ चुका है, तो हमें एक भी समय वेस्ट नहीं करना और फटाफट से अपनी क्लास की ओर बढ़ना है। गुड आफ्टरनून सर भाई, गुड आफ्टरनून गुरु जी, प्रणाम गुरु बेटा, प्रणाम बेटा, खुश रहो भाई, बहुत बढ़िया है सर। अच्छा सब लोग बढ़िया हो भाई, सभी लोग बढ़िया है। चलो अच्छा एक बार सभी लोग जोर से शेयर कर दीजिए और जोरों शोरों के साथ एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है, एक बार लाइक के बटन को भी फोड़ दीजिए। ठीक है भाई, अच्छा भाई तो चलते हैं। ओनली टारगेट एयरफोर्स, कमलकांत शुक्ला जी बहुत अच्छी बात है बेटा, बिल्कुल इस बार टारगेट आपका एयरफोर्स ही होना चाहिए और एयरफोर्स में इस बार नौकरी लेकर ही रहना है। ठीक है भाई, एक बार क्या करना है, नौकरी लेकर ही रहना है भाई। सर आई एम अ न्यू स्टूडेंट, बेटा आप नए स्टूडेंट हैं, नेहा कुमारी। चलो भाई जो भी न्यू स्टूडेंट है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ठीक है भाई, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा मैटर प्रोवाइड करवा सकें ताकि आपके एयरफोर्स के एग्जाम के लिए कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, अच्छा बच्चों तो अब हम लोग चलें क्लास की तरफ चलते हैं। अच्छा क्लास की तरफ चलने से पहले लव यू टू चलो भाई, अच्छा क्लास की तरफ चलने से पहले हम लोग फटाफट से एक बात समझ लेते हैं अनुज ऑफिशियल। अच्छा चलो भाई, अच्छा रहने दो सारी बातें बाद में, पहले हम लोग क्लास कर लेते हैं फिर सारी बातें करेंगे। ठीक है भाई, चलिए पहले क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके आप लोगों के आग्रह के अनुसार ग्रीन कलर को ब्लू में बदल दिया गया है। ठीक है भाई, आपको शुरुआत से पढ़ाई करनी है भाई, शुरुआत से। देखो प्रैक्टिस सेट जो है इसमें हर रोज 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हर रोज 30 क्वेश्चन होते हैं और एयरफोर्स लेवल के होते हैं। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है भाई, इसको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये प्रैक्टिस करिए और आपकी 3 बजे एक क्लास होती है कॉन्सेप्ट क्लास, उसमें आ जाइए और जो पिछले की क्लासेस हैं वो पड़ी हुई हैं, आप वो देख सकते हैं। ठीक है भाई, आज चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश जो है शरद अरविंद बोबड़े किस राज्य से है? बेटा आपको बताना है, जो 47th नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, 47th के नंबर के कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, शरद अरविंद बोबड़े इज फ्रॉम विच स्टेट, आपको बताना है कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं भाई, कौन से राज्य। देखो कमलकांत शुक्ला का आंसर आ चुका है, अनुज ऑफिशियल का आ गया, श्यामवीर यादव का आ चुका है। ठीक है भाई, वेरी गुड, सभी लोग जानते हैं कहाँ के, महाराष्ट्र के। अच्छा महाराष्ट्र के हैं, तो इसकी कैपिटल क्या है भाई, कैपिटल क्या है इसकी, फटाफट से फटाफट बताएंगे कैपिटल क्या है, मुंबई। क्या है भाई, मुंबई है। इसकी सीएम कौन है भाई, मुंबई लिखा है समझ लेना आप लोग, कैपिटल का है मुंबई है, सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे जी है, और यहाँ के राज्यपाल जो गवर्नर है यहाँ के वो कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया भाई, आगे चले, यहाँ से जीएस कवर हो जाएगा वाई ग्रुप का। बेटा बिल्कुल कोशिश करते हैं कि आपका जीएस करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है जो भी है वो कवर करवा देंगे। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेंगे, उसमें अगर आप आ जाते हो, उसमें अगर आप वो पढ़ लेते हो तो आपकी पक्का करवा देंगे। ठीक है भाई, चलो भगत सिंह कोश्यारी बहुत अच्छी बात है बेटा, जबरदस्त आंसर, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किए गए पहले हिंदी समाचार पत्र कहाँ पर लॉन्च हुआ है भाई, अरुणाचल प्रदेश में, तो उसका नाम क्या है आपको बताना है,
name of the first Hindi newspaper recently launched in Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh में आप सभी जानते हैं एक हिंदी न्यूज़पेपर अरुणाचल प्रदेश में क्या है हिंदी न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया है और आपको उसका नाम बताना है भाई, क्या बताना है आपको उसका नाम बताना है। ए नंबर का आंसर आ गया भाई, ए नंबर का मुंबई अनुज यदुवंशी। भाई जरा हम देख लें किस किस के आंसर आ रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, क्या है अरुणाचल प्रदेश का क्या नाम है? अरुण भूमि, जय हिंद भूमि, पूर्वोदय टाइम्स या पर्वतनामा, जल्दी से बताइए भाई क्या नाम है? सेकेंड का ए बिल्कुल सही जवाब है, अरुण भूमि। याद रखना अरुण से अरुण और अरुण से अदर, अरुण से अरुणाचल और अरुण से भूमि, तो भाई क्या नाम है? अरुण भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, फटाफट करेंगे भाई, फटाफट करेंगे। आज थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पूर्वोत्तर राज्य में संघाई महोत्सव, कौन सा महोत्सव भाई? संघाई महोत्सव मनाया जाता है। मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया भी था, अगर आप पिछले क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन फटाक से आ जाएगा भाई, ठीक है? मेरे दोनों सही सर हुए सर, संदीप शुक्ला, बहुत अच्छी बात है बेटा, बिल्कुल गजब। मणिपुर, ठीक है भाई, क्या है मणिपुर? क्या आंसर? बिल्कुल सभी लोग जानते हैं क्या है मणिपुर, ठीक है बेटा, क्या है मणिपुर। अच्छा इसके राज्यपाल, इसके राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है यहाँ के? नजमा हेतुल्ला है। कौन है? नजमा हेतुल्ला जी राज्यपाल जी हैं, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। यहाँ की कैपिटल क्या है? इम्फाल। क्या है भाई? कैपिटल इम्फाल है। राधे राधे सर, बिल्कुल राधे राधे बेटा। मुख्यमंत्री कौन है भाई? एन बीरेन सिंह। कौन? नजमा हेपतुल्ला गवर्नर, ठीक है, नजमा हेपतुल्ला गवर्नर, एन बीरेन सिंह यहाँ के कैपिटल, सॉरी क्या है मुख्यमंत्री, और यहाँ की कैपिटल क्या है? इम्फाल। क्लियर है भाई तीनों पॉइंट। चलो गवर्नर कौन है? विशाल गवर्नर बेटा है नजमा हेपतुल्ला, बिल्कुल भाई, देखो इन्होंने सब कुछ लिख दिया। चले आगे, चले मणिपुर आ गया। आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भारत और किस देश के बीच मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास। भाई याद रखना आपकी ये सैन्य अभ्यास जो है, जो एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइजेस हैं, वो उन पे एक बार जाने से पहले याद करके जाना है। क्यों? क्योंकि ये एक्सरसाइज कहीं ना कहीं पूछ ली जाती हैं, ठीक है भाई। चलो मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। मित्र शक्ति इज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, कौन सी कंट्री के बीच में? बिल्कुल भाई अनुज, ऑफिशियल का आंसर आ चुका श्रीलंका, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। क्या भाई? जो कि बिल्कुल सही जवाब है, कहाँ की है? श्रीलंका के बीच में है, ठीक है भाई। आगे चलो भाई, आगे फटाफट देखो, इसरो द्वारा किस राज्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? इन विच स्टेट विल इसरो एस्टेब्लिश ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर, कौन सा भाई? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर किस राज्य में स्थापित की जाएगी? आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? आंध्र, कर्नाटक, कहां पर भाई? ए नंबर आंसर भाई सबका आ गया, तमिलनाडु। श्यामवीर यादव, मोहम्मदुल्ला ए, विराट सी, कहां पर है भाई? किसका है भाई? कहां पर होगा इसका स्थापना? होगी कर्नाटक में। अब हमें आप लोग फटाक से इस कर्नाटक के सीएम, गवर्नर, कैपिटल, तीनों के तीनों बताएंगे, आप लोग बताएंगे। मैं एक पॉइंट भी, एक लाइन, एक शब्द भी नहीं बताऊंगा। नमस्ते नीरज पांडे जी, नमस्ते बेटा, खुश रहो बेटा, ठीक है। आंध्र प्रदेश, बिल्कुल भाई आंध्र आपका सही, आंध्र नहीं बेटा कर्नाटक सही। क्या है? कर्नाटक है। कर्नाटक में ये क्या किया जाएगा? मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। अब आप लोगों को याद रखना, क्या बताना है भाई? कर्नाटक के सीएम, गवर्नर, क्या बताना है? कैपिटल बतानी है भाई, फटाफट से बताइए। क्या भाई? बी एस येदुरप्पा अनुशियल, वेरी गुड, जबरदस्त। बेंगलोर, वजू भाई वाला, विशाल शुक्ला जी ने तीनों आंसर दे दिए, इनको कॉन्ग्रेचुलेशन दो भाई सभी लोग। चलो भाई, भारत की पहली महिला हृदय रोग, पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी? आपको बताना है जिनका हाल ही में क्या हो गया, डेथ हो गई है, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है, आपको बताना है वो कौन थी? डॉक्टर एस पद्मावती, प्रेरणा लाल, उर्वशी वैद या मल्लिका दत्त? जल्दी से भाई फटाफट बताओ। एस पद्मावती किसका आ गया भाई? नमस्ते आसिफ अंसारी, बहुत अच्छी बात है बेटा। मोहम्मद अब्दुल्ला आसिफ, बिल्कुल जबरदस्त। क्या है? डॉक्टर एस पद्मावती, इनका 103 वर्ष की कितनी थी एज, कितनी थी भाई इनकी एज, कितनी थी? 103 साल की थी। डेट किसी हुई है भाई? डेट किसी हुई? कोविड 19 के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। क्या हो गई है? कोविड 19 के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ये कितने साल की थी? 103 साल की थी। और याद रखना इन्हें 1992 में क्या मिला है?
1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। क्या किया गया था भाई? पद्म विभूषण से 1992 में सम्मानित किया गया था। और ये पहली क्या थी? महिला हृदय रोग विशेषज्ञ मतलब कार्डियोलॉजिस्ट थी। समझ में आ गया भाई? आगे चलें। कोरोना बिल्कुल भाई, ये कोरोना की वजह से डेथ हो गई इनकी। और ये क्या थी? एक बहुत पहली, सबसे पहली क्या थी? कार्डियोलॉजिस्ट थी। आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT? अजय त्यागी, एम अजीत कुमार, प्रसून जोशा या प्रमोद चंद्र मोदी? प्रमोद चंद्र मोदी, सी आ गया, प्रमोद चंद्र मोदी। बिल्कुल जवाब एकदम गजब भाई। प्रमोद चंद मोदी सी नहीं बेटा, डी है। प्रमोद चंद मोदी के ऑप्शन में डी है। और याद रखना, प्रमोद चंद मोदी इनका हाल ही में कितने कितने 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए इनका कार्यकाल क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया है। 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है भाई, क्या किया? अच्छा ये बताइए, ये जो सीबीडीटी है, सीबीडीटी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है बेटा? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? श्यामवीर यादव, प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बेटा? पीसी मोदी। बिल्कुल बेटा, प्रमोद चंद्र मोदी हैं जो यहाँ पे सीबीडीटी के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब आपको ये बताना है कैसे हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप सभी जानते हैं न्यू दिल्ली। क्या होगा? न्यू दिल्ली। ठीक है भाई, क्लियर? हाँ बिल्कुल भाई, श्याम यादव, दिल्ली 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 दिल्ली। वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त। अब लग रहा है कि भाई तुम लोग मेहनत कर रहे हो, इस बार आप लोगों को पक्का एयरफोर्स में जाना है। ठीक है भाई, आगे का क्वेश्चन अब भाई बिल्कुल स्पीड से करेंगे, एकदम जबरदस्त। अनुज ऑफिशियल दिल्ली, खतरनाक। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI, ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ठीक है बताइए भाई, हु हैज बीन इलेक्टेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया? क्या भाई, पीटीआई का किसको नया चेयरमैन बनाया गया है? अरविंद सरकार, अवीक सरकार, फुल स्पीड, अभिषेक शर्मा। बिल्कुल भैया फुल स्पीड से हैं। अच्छा ठीक है भाई, कौन है? अवीक सरकार। कौन है भाई? अवीक सरकार। क्यों ना भाई? अवीक सरकार, बिल्कुल सही जवाब है आपका, सही जवाब है। किसका? अच्छा ये बताइए, ये किसका स्थान लेंगे? अवीक कुमार जी जो हैं, अवीक सरकार, अवीक सरकार जी हैं जो, ये किसका स्थान लेने वाले हैं? किसका लेंगे? विजय कुमार चोपड़ा का। किसका लेंगे? विजय कुमार चोपड़ा का। ये जो अवीक अवीक सरकार हैं, ये विजय कुमार चोपड़ा का स्थान लेंगे। पहले प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन था? विजय कुमार चोपड़ा। अब इनके स्थान पर कौन आ गए? अवीक सरकार जी आ गए। ठीक है भाई, क्लियर। अच्छा अब ये भी बता दो, पीटीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया मतलब पीटीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी कहाँ पे रहे बेटा? नई दिल्ली। याद रखना है, याद रखना दोनों का, किसका? इससे पहले वाले का और इसका क्या है? नई दिल्ली। श्याम वीर यादव, बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चरण स्पर्श आयुष अवस्थी, बेटा खुश रहो, बेटा खुश रहो भैया, तरक्की करो। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा सौर्य वृक्ष सोलर ट्री स्थापित किया गया? आपको बताना है, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री इंस्टॉल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कौन से राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहां पर स्थापित किया गया है? कहां पर स्थापित किया गया है? वेस्ट बंगाल। बिल्कुल भाई, सबके जबरदस्त आंसर। नहीं भाई बिल्कुल सही जवाब है ये, वेस्ट बंगाल। क्या है भाई? वेस्ट बंगाल में। ठीक है हाँ भाई, क्लियर है। हेलो सर, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, लेट हो गए तो कोई बात नहीं, आप पिछले क्वेश्चन वीडियो को बैक कर देख सकते हैं। ठीक है, परेशान ना हो, सारे वीडियोस पड़े हुए हैं आप सभी लोगों के लिए, बिल्कुल पड़े हुए हैं, बस आपको मेहनत आपको करनी है। मेरा भारत मान, मेरा भारत मान। चलिए भाई, ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी है? मिंत्रा। क्या है? मिंत्रा आप सभी जानते होंगे, आप सभी जानते होंगे कपड़े खरीदने के लिए मिंत्रा बहुत अच्छी है। ठीक है, कोलकाता, ममता बनर्जी, जगदीप धनखड़। अच्छा भाई चलो, बहुत जबरदस्त। किसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? भाई ई कॉमर्स वेबसाइट जो है मिंत्रा, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर, नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? ई कॉमर्स वेबसाइट मिंत्रा हैज अपॉइंटेड हुम एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर? जरीन खान, काजल अग्रवाल, आलिया भट्ट या कियारा आडवाणी? वेस्ट बंगाल, जल्दी से भाई फटाफट बताओ। आलिया भट्ट, लाला बहुत अच्छी लग रही तुमको आलिया भट्ट। का अनुज यदुवंशी जी,
हाँ श्यामवीर यादव, आलिया भट्ट, बड़ी जल्दी आलिया 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 आलिया। अरे पीछा नहीं आगे का देखो, बदल गई आलिया साहिब, आलिया भाई बदल चुकी हैं। कौन है? कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी को नया बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर, किसका? मिंत्रा का। ठीक है भाई, आलिया भट्ट बदल गई हैं, अब इस समय कौन है? कियारा आडवाणी। आगे चलते हैं फटाफट। अच्छा कियारा आडवाणी तो आप जानते होंगे ना, बॉलीवुड में एक्ट्रेस हैं। ठीक है भाई, ये तो बताने की तो भैया आवश्यकता नहीं है, तो ये ना बताओ, ये तो हमें पहले से पता है। एक बार यार लाइक हो जाए, एक बार सभी लोग लाइक हो जाए भाई, लाइक कर दो तो एक बार फटाक से। विशाल शुक्ला, आपका डाटा पैक ओवर हो गया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आप बाद में देख लीजिएगा, क्लास आपकी पड़ी रहेगी, आप बाद में देख लीजिएगा। ऋषि शुक्ला, सॉरी सर थोड़ा लेट हो गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलिए भाई फटाक से सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे और आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का किसने बनाया था बताइए भाई, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? ई सॉल्क, जॉर्ज विथम, कार्ल बेंडा, एंटोनी वैन, ल्यूवेन हॉक, जल्दी से बताइए। लव यू भाई, अभिषेक शर्मा, लव यू टू बेटा। हाँ भाई फटाक से बताओ किसने बनाया था? कार्ल बेंडा ने। किसने? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? कार्ल बेंडा ने बनाया था। मैं आपको बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस। क्या कहते हैं भाई? पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहते हैं? पावर ऑफ द हाउल सेल कहते हैं। इनको डिस्कवर किसने किया था? कार्ल बेंडा ने किया था। किसने किया था? कार्ल बेंडा के द्वारा डिस्कवर सी। ठीक है, सबका गलत चलो अच्छी बात है। अच्छा ये बनाया कब था? 1898 में। कब बनाया था ना? 1898 में। माइटोकॉन्ड्रिया को कार्ल बेंडा ने 1982 में डिस्कवर किया था। इसी को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। कहने का मतलब जो भी एनर्जी मिलती है वो कहाँ से आती है? सेल्स को जो एनर्जी चाहिए होती है वो कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। ठीक है भाई, क्लियर? सर करंट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है करंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है करंट, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी बेटा, ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें ना आता हो करंट। गहिर माथा अभयारण्य उड़ीसा में डैश डैश के लिए एकमात्र अभयारण्य है। आपको बताना है जो गहिर माथा अभयारण्य है, ये पहली बात तो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। इसका पूछा गया है कि ये एकमात्र अभयारण्य किसके लिए है, किसके लिए है भाई? ठीक है, कमलकांत शुक्ला, सबका गलत। अरे आप बताइए फटाक से भाई, आप बताओ फटाक से, जल्दी से बताओ भाई, सभी लोग लाइक करो भाई, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, करो भाई लाइक, और आगे चलते हैं। किसके लिए? मगरमच्छ, कछुआ, हाथी या हिरन? मोहम्मद, श्यामवीर यादव, बी अनुज ऑफिशियल, ए अच्छा बेटो, किसके लिए भाई? कछुआ के लिए। बिल्कुल भाई कछुआ के लिए है। उड़ीसा में जो एकमात्र कछुए के लिए, याद रखना जो गहिर माता अभयारण्य उड़ीसा में है ये किसके लिए? कछुए के लिए। और यही एकमात्र अभयारण्य है जो कछुए के लिए, किस कौन से? कछुए के लिए है। ठीक है, उर्वशी शुक्ला लाइक, ठीक है, थैंक यू। और अच्छा ये बताओ कि ये कौन से? ये ओलिव रिडले, ओलिव ओलिव रिडले नाम के जो कछुए हैं उनके लिए क्या है? फेमस है। ठीक है भाई, क्या है? बहुत प्रसिद्ध है भाई ओलिव रिड। मेरा कमेंट्स आप देखते ही नहीं हो, विशाल कुमार। अच्छा आपका कमेंट्स नहीं देख रहे हैं बेटा, इतने सारे कछुए आ रहे हैं, इतने सारे कछुए आ रहे हैं कि पता नहीं चल रहा है कौन सा कछुआ देखे हैं, समझ रहे हो ना? क्या है भाई? ओलिव रिडले जो कछुआ का प्रजाति है उसके लिए क्या है भाई? फेमस है। चलो भाई ये जोक था, मजाक था, ठीक है, कोई भी सीरियस नहीं लेना है। ठीक है चलो भाई, निम्नलिखित में से किस खेल का साथ कॉक शब्द जुड़ा हुआ है? आपको बताना है कौन सा ऐसा खेल है जिसके साथ कौन सा शब्द जुड़ा है? कॉक्स। बड़ा सा देख लो, गलती नहीं होना चाहिए, फटाक से बताइए। लंबी कूद, मुक्केबाजी, नौका दौड़ या भाला पर? हम फटाक से आंसर देख रहे हैं। इंडियन कॉन्सेप्ट ए आ चुका है, श्यामवीर यादव। अच्छा ये पहले वाला बता रहे हो क्या? लाइक करो भाई, अरे आंसर भी दे दो लाला। विजय गुर्जर, बी बी, बहुत बढ़िया। पवन कुमार, श्यामवीर यादव, सी। सर लाइक वाला, लाइक वाला प्रेस नहीं हो रहा है, प्रेस नहीं हो रहा है बेटा, आप जरूर ब्लॉक हो गए होंगे, आपको जरूर किसी ने ब्लॉक कर दिया होगा, इस वजह से लॉक नहीं लाइक नहीं हो रहा है।
अच्छा आप कभी कमेंट्स नहीं देखते हैं अंकित यादव? ऐसा नहीं है यार आपका कमेंट्स नहीं देखते हैं। चलो भाई किसके लिए? नौका दौड़ के लिए। ये कॉक जो शब्द है किसके लिए? किसके लिए भाई? नौका के लिए। चलो नौका दौड़, नौका दौड़ में ये कॉक शब्द आता है भाई, ध्यान देना। ये जो निम्नलिखित में कॉक्स जो शब्द है, कौन सा कॉक्स, ये किसके लिए? नौका दौड़ में ये शब्द आता है। आगे चलें, आगे का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। गोल गुंबद भारत के किस राज्य में स्थित है? ये तो सबको पता होगा भाई, ये तो सबको पता होगा कि गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है भाई। बताओ फटाफट बताओ भाई, देख लो भाई, देखो जरा। चलो भाई फटाक से बताओ आंसर, बस फटाफट कमेंट्स करो, कमेंट्स करो भाई सभी लोग। चलो भाई क्या है भाई, किसका है, कहां पर है गोल गुम्बद, कहां पर है, भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में है भाई, सभी लोग बताएंगे। कहां पर है? कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में। अच्छा एक बात बताओ, मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? फटाक से एक बार कमेंट्स करो सभी लोग। अच्छा बीजापुर के जो सुल्तान थे, कुछ आवाज आ रही है भाई? चलो ठीक है आवाज आ रही है, चलो अच्छी बात है। अच्छा ये कह रहे थे कि हम बीजापुर के जो सुल्तान थे, कौन से सुल्तान? मोहम्मद आलिद आदिल, मोहम्मद आदिल शाह। उन्होंने कब बनवाया था, कब बनवाया था ये गोल गुम्बद का निर्माण, कब? मोहम्मद आदिल शाह, कौन से? मोहम्मद आदिल शाह ने 17वीं शताब्दी में, कब बनवाया था? 17वीं शताब्दी में गोल गुम्बद का निर्माण करवाया था। ठीक है भाई क्लियर है, मोहम्मद आदिल शाह ने। ठीक है भाई। अच्छा ये क्या है, कर्नाटक, ये कहाँ पर है? कर्नाटक के बीजापुर में। कहाँ पर? कर्नाटक के बीजापुर में। कहाँ पर भाई? कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। ठीक है भाई क्लियर है, आगे चलें। बिल्कुल भैया बिल्कुल, मोहम्मद आदिल शाह ने 17वीं शताब्दी में और कहाँ पर बनाया था? बीजापुर में गोल गुम्बद का निर्माण करवाया था। आगे का क्वेश्चन देखो फटाफट देखो, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? आप बताइए कि गोवा में सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा और सबसे लोक नृत्य कौन सा है, कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बिल्कुल लाला, बोलने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, फटाफट परेशान न हो। सर आप कौन सी जगह पढ़ाते हो? बेटा हम ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है हम ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं अभी तो। चलो अच्छा आ जाते हैं, फगुआ फुगड़ी बिहू या माच, कहाँ पर है? फुगड़ी। अब आप लोग बताएंगे जल्दी से, अब हम नहीं बताएंगे। गोवा, गोवा की कैपिटल, कैपिटल सीएम और कौन बचा भाई? गवर्नर। ये तीनों आप लोग बताएंगे, ये तीनों आप लोग बताएंगे भाई। जी बिल्कुल सही जवाब, आगे बताइए। कैपिटल तो हो गई, अब आगे चलो। कमलकांत शुक्ला भैया पंजी के साथ में सीएम और पीएम गवर्नर भी बता दो। प्रमोद सावंत, वेरी गुड। भगत सिंह, इंग्लिश में, क्या इंग्लिश में यार, आपको क्या बताना है? नृत्य, अरे भाई कौन सा फोक डांस है? गोवा का कौन सा शब्द है फोक डांस है जो क्या है, प्रसिद्ध है भाई, लोक नृत्य है, समझ रहे हो ना, क्लासिकल डांस बताना है आपको। प्रमोद सावंत ठीक है भाई, सबको पता है। पंडित भगत सिंह कोशियारी, मोहम्मद सिंह अनुज, अनुज ऑफिशियल, जबरदस्त। आगे चलते हैं। एक पिता एवं पुत्री की वर्तमान का अनुपात कितना है? 7:3 तथा उनके आयु का गुणनफल कितना है? 756। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा भाई। मैथ का सवाल है, छोटा सा सवाल है, नन्ना मुन्ना सा सवाल है, आप लोग नन्ने मुन्ने बच्चों जल्दी कर दोगे यार, है ना। चलो भाई एक बार सवाल, एक बार फटाक से सभी लोग लाइक कर दो, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर क्वेश्चन बताते हैं इतना सा क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है चलो भाई आगे चलें। अरे वाह जबरदस्त, ए आंसर आ गया, 2:3 आ गया, बहुत सही, 2:3 आ गया। लाला तुक्का तो न मारा करो, पढ़ लिया करो, 2:3 ऑप्शन में नहीं है, 2:3 ऑप्शन में नहीं है।
थ्री रेस टू टू है भैया, थ्री रेस टू टू है। चलो अच्छा भाई देख लेते हैं, देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं एक बार क्या है। एक पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? तो हमने मान लिया 7x रेस टू 3x, ठीक है भाई, ये मान लिया। तथा उनके आयु का गुणनफल, गुणनफल मतलब 7x इंटू 3x, इनका गुणनफल का कितना है? 756 है, 756 है, ठीक है भाई। तो ये हमने किया, 21x2 आ गया, 21x2 = 756। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया? 756/21, 756/21, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। अब देखो एक्स स्क्वायर, इसको काट दो, 21 से काटेंगे कितने बार जाएगा? 21 तीन तीन बार, और कितना बचा? समथिंग समथिंग 5 और 6 बार कटेगा। एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई? एक्स बराबर 6 आ गया आपका, समझ में आया, 2 रेस टू 1 आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है, ये x बराबर 6 आ गया। अब यहाँ पे पुट कर लें, x बराबर 6 मतलब 7x था तो कितना हो गया? 7×6 = 42, और 3x था 3x तो ये क्या हो गया? 7×21। अब देखो कितने साल बाद, 6 साल, कितने साल बाद? 6 वर्ष बाद 22 साल के आज हैं, 6 वर्ष बाद 48 के हो जाएंगे, 21 साल की ये आज हैं, 21 साल का आज है पिता और पुत्र, पुत्र कितने का? 21 का है, 6 साल बाद कितने का हो जाएगा? एक मिनट रुक जाओ भाई, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अरे सॉरी, 6 × 18 = 18 आ गया, 18 का आ जाए, और कितने 6 साल बाद कितना हो जाएगा? 6 साल बाद 24 का हो जाएगा, तो आ गया 2 रेस टू 1। ये बताओ भाई, क्लियर है, सबको समझ में आ गया? 3×6, हाँ 3×6 बेटा, बिल्कुल 3×6 = 18, और 18 में जोड़ा तो कितना आ गया? कितना आ गया? 2 रेस टू 1, जो कि आंसर नंबर बी है। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ गया? हाँ 21 नहीं होगा, 18 होगा, ठीक है। चलो ये देख लो भाई, एक ही आय बी की दूनी है, एक ही आय बी की दूनी है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है? बी की आय, नो दिक्कत, चलो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। चलो आगे चलते हैं, एक बार लाइक हो जाए, एक ही क्लास, एक ही आय बी की आय की दूनी है, तो बी की आय एक से कितना प्रतिशत कम है? बेटा ऐसे क्वेश्चन में देखो बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, देखना भाई, एक ही आय बी की दूनी है, तो भैया बी की ये हो गई, ए की आय दुगनी हो गई, और क्या करना है? बस कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन में तो 1/2 × 100 करना था, 50% आ गया, बेकार मॉक टेस्ट। अच्छा कौन है भैया ये? अबे बिल्कुल बेटा परेशान ना हो, बेकार है, लेकिन जिस दिन पेपर में आएगा ना तब आपको इसकी अहमियत पता चलेगी, ठीक है। चलो अच्छा, एक वर्ग का विकर्ण इतना है, 36√2, तो वर्ग की परिमाप बताइए। एक सौ चौवालीस, कमलकांत शुक्ला, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, अरे अनुज ऑफिशियल बहुत सही बात, ये गोला दूसरा, इनका गोला भटक गए, ये गोले से भटक गए। देखो अच्छा भाई क्या होता है, फॉर्मूला देख लो भाई। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्या दिया? वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कितना दिया भाई? 36√2, और वर्ग का विकर्ण होता क्या बेटा? a√2 होता है, तो 36√2। अच्छा रूट टू से रूट टू खत्म, तो एक से कितना आ गया? a बराबर 36, तो परिमाप कितना होता है भाई? परिमाप कितना होता है वर्ग का? परिमाप कितना होता है? परिमाप होता है 4a, और 4 की वैल्यू, ये a की वैल्यू आ गई 36, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। बताओ बेटा किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ गया? ठीक है भाई, समझ में आ गया किसी को कोई दिक्कत? ये गोला भटक गए, सही कह रहे हो भाई, ये गोला ही भटक गए, ठीक है। चलो अच्छा ये क्वेश्चन है, रिपीट करते हैं। देखो अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, एक वर्ग का जो विकर्ण है वो है 36√2, तो वर्ग का परिमाप निकालना, ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो हमने आपको बताया वर्ग का विकर्ण जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए रूट। देखो वर्ग का विकर्ण दिया है 36√2, अब वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है ए रूट टू। बेटा आपको ये याद करना पड़ेगा कि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए रूट टू, तो 36
रूट टू था, रूट टू से रूट टू कट गया, ए बराबर कितना आ गया 36। अब वर्ग का जो परिमाप होता है क्या होता है, वर्ग का परिमाप वो क्या होता है 4a, क्या होता है भाई 4a, ठीक है भाई, चार से चार 36, एक ही जगह 36 आ गया, मल्टीप्लाई करवा दिया 144 मीटर। बताओ आप किसी को कोई दिक्कत, ठीक है 144 मीटर। ठीक है आगे चलें, सवाल बहुत सिंपल है गुरुजी। हाँ बिल्कुल बेटा सिंपल है, ठीक है चलो। अच्छा देखो भाई, एक विद्यालय में 75% बच्चे कोचिंग क्लासों में जाते हैं, कितने भाई, एक क्लास है उसके 75% कहाँ जाते हैं, कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, शेष 245 खुद पढ़ते हैं। भाई मान लो 100 बच्चे थे, उसमें से 75% चले गए, और बच्चे कितने, जितने बच्चे 245 वो क्या करते हैं, खुद पढ़ते हैं, तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं, पूछा क्या है विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं, ठीक है भाई फटाक से बताओ भाई, एग्जाम कब होगा। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें दिया करें, चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लें दे दिया करेंगे, ठीक है भाई 900 आ गया किसका है भाई, 980 आ गया राजू यादव का। चलो भाई एक बार हम कोशिश कर लेते हैं। देखो अच्छा एक बात बताओ कि मान लो 100% बच्चे थे, बच्चे कितने थे 100% थे, उसमें से 75% क्या पढ़ रहे हैं, कोचिंग क्लासों में पढ़ते हैं, तो बचे कितने, बच्चे कितने 25% बचे, 25% बचे, और यही जो 25% बचे हैं, यही जो 25% बचे हैं बेटा, ये बचे कितने 245 बचे कितने, ये 25% जो बचे हैं वही टोटल कितने 245, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 245 अपॉन 25, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा भाई, कुछ नहीं करना 245 अपॉन 25 × 100 × 100, इससे काट दिया 25 चौको 100, 245 गुणा करोगे कितना, 245 गुणा 4 करोगे 980 आ जाएगा, बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत। गुरुजी एग्जाम कब होगा, बिल्कुल बेटा देखो ऑफिशियल में सब बच्चे तो कह रहे हैं नवंबर के पहले वीक में, सब बच्चे कह रहे हैं नवंबर के पहले वीक में। अच्छा भाई ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई हमने आपको बता रहे हैं, क्या बताने चल रहे थे कि आपका नवंबर में पहले वीक में होगा, इसलिए पढ़ाई में बिल्कुल किसी भी प्रकार की क्वेश्चन है। आदित्य कुमार सिंह थैंक यू सो मच, ले लिया भाई स्क्रीनशॉट, आगे चलें, आगे क्वेश्चन देखो। 220 मीटर लंबी ट्रेन एक सिग्नल के खंभे को 12 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई देखो भाई ये तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, रखा मैंने इसलिए था ताकि कि आपको नन्हे मन्ने क्वेश्चंस भी गलत ना हो जाएं, ठीक है भाई क्लियर है, बताओ बच्चा किसी को कोई दिक्कत, आगे समझाएं भाई ये क्वेश्चन बताएं। सी आ गया, सी आ गया, चलो अच्छा बेटा सही सी आ गया, अमित गौर का आ गया, सबसे पहला आंसर आया अमित गौर का, बहुत अच्छा आया, कमलकांत शुक्ला राजू भाई और कौन है, राजू यादव बिल्कुल बेटा सही है, उर्वशी शुक्ला यू आर द ग्रेट टीचर सर थैंक यू सो मच, अनुज ऑफिशियल सी, चलो भाई सबका आ गया सी, चलिए सर कल कब लाइव आइएगा बेटा, 1 बजे लाइव आएंगे, परेशान ना हो। अच्छा कल संडे है, ये कल का टाइमिंग देखते हैं, अगर क्लास होगी आपकी कल तो हम आपको बता देंगे, नहीं तो आप मंडे का इंतजार करिए, मंडे को हम 1 बजे मिलेंगे, ठीक है चलो। चाहिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या भाई लंबी ट्रेन कितनी मीटर है, लंबी कितने, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है आप सभी जानते होंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक है अब दूरी कितनी इसकी 220, समय कितना दिया गया भाई 12 सेकेंड में, ये क्या है भाई मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड, ठीक है मीटर पर सेकंड में 220 बटे कितना है 12, 220 बटे 12। अब देखो अब ध्यान देना क्या कह रहा है, इसको ट्रेन की गति कितने किलोमीटर पर, अब बदलना किसमें, किलोमीटर में। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, जब आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में जाना हो, किलोमीटर पर सेकंड में, या किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में जाना हो, मीटर पर सेकेंड में जाना, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं ध्यान देना जरा, जब हम
छोटे से बड़े में जाएंगे, कहां से छोटे से बड़े में जाएंगे, ये तो पता होगा ना भाई कि 18/5 और 5/18 से गुणा करते हैं भाई, किसी में भी बदलने के लिए 18/5 या 5/18 से गुणा करते हैं, ये पता है। अब देखो करना क्या है, बिल्कुल कम का सुपला आपका आंसर सही है, लेकिन ध्यान दो मैं एक बार सभी बच्चों को बता दूं, जब हम मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर सेकेंड की तरफ जाएंगे, छोटे से बड़े की तरफ, हाँ छोटे से बड़े की तरफ, जब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो उसका उल्टा कर दो, बड़ा से छोटा 18/5, जब बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो उल्टा कर दो, क्या करोगे भाई, बड़े से छोटा तो छोटे से 5/18, छोटे से बड़ा, कहने का मतलब है जब 5 मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर सेकेंड की तरफ गए तो पीछे वाला जो होता है वो ऊपर, वो ऊपर और ये क्या होता है, ये नीचे, समझना जरा, जब छोटे से बड़े की तरफ गए तो बड़े से छोटा और बड़े से छोटे की तरफ गए तो छोटे से बड़ा, इतना सा होगा, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, 18/5 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 18/5 से करवा दिया, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 5 से काट दिया, 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20, इससे काटा 22 और 22 × 3 = 66, आपका आ गया 66। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, 21 नंबर का क्वेश्चन देखो, सभी गणितीय चिन्हों का प्रयोग करके प्रश्नवाचक चिन्ह के विकल्प चुनिए। देखिए भाई यहां पर क्या करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, इन सभी नंबरों में यहाँ पर क्या करना है, आपको डिवीजन रखना है, यहाँ प्लस रख लो या मल्टी प्लस रख लो, कुछ भी रख के आपको क्या करना है, सॉल्व करना है कि 8, 9, 3 का क्या आना चाहिए, 35, 5, 5 का 30 और 9, 3 से 2 का कितना आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर क्या आएगा आपको ये बताना है, जल्दी से बताइए भाई फटाफट, 15, 15 बिल्कुल, क्या किया गया है देखना जरा भाई, किया क्या गया है देखना जरा, प्लस और मल्टीप्लाई, क्या किया गया है भाई, पहले क्या रखा है प्लस और दूसरे में मल्टीप्लाई, तो 9 × 3 = 27, 27 में हमने 8 ऐड किया तो 35 मिला, इसी तरह हमने क्या किया इसमें भी सेम प्रोसेस किया, तो 5 × 5 = 25 प्लस ऐड किया 5, 30 आ गया, 30 आ गया, अब क्या करेंगे 6 × 2 = 3, 2 = 6 और 6 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15, ठीक है भाई समझ में आया, यहां पर मल्टीप्लाई यहां पे प्लस हो रहा है 8 + 9 × 3 मतलब ये प्लस और ये मल्टीप्लाई, इनका सॉल्यूशन चल रहा है भाई 35, यही सीरीज आगे चलेगी तो आपका 15 आ जाएगा, ठीक है आगे चलें, आगे का क्वेश्चन देखो, 3:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का न्यून कोण बताइए, देखिए जरा 3:20, इस 20 को अगर हम गलत नहीं है 20 मिनट होता है, आर में कन्वर्ट करेंगे, आर में कन्वर्ट करेंगे 4 हो जाएगा, डिफरेंस कितना आएगा 1 आएगा, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 30 आ गया, अब क्या करते हैं हम आगे, इस मिनट का आधा करते हैं, मिनट का आधा करके घटा दो, मिनट का आधा करके घटा देंगे, क्यों घटाया, क्योंकि 3 - 1 किया था, ये माइनस का 1 आया था और यही माइनस क्या इंडिकेट करता है, माइनस कर दिया तो 20 डिग्री आ गया, ये हमने आप लोगों को क्लॉक में बताया था, ठीक है भाई 20 डिग्री आगे चलो, बिल्कुल भाई कमलकांत शुक्ला 20 आ गया बिल्कुल, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, 7, 15, 24, 34 और 45, देखो भाई सात से पंद्रह की तरफ गए 8 जोड़ा, 8 में इसने 15 में 9, 9 यहां भाई 10, यहां भाई 11 और यहां पे क्या जोड़ेगा 12, जब 45 में 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा 57, 57 आ गया, क्लियर है आगे चले, श्यामवीर यादव बिल्कुल सही जवाब, अनुज ऑफिशियल बिल्कुल सही है, किसी कूट भाषा में रहीम को क्या भाई, रहीम RAHIM क्या लिखा जाता है, NJIBS लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में नीलेश को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बताओ भाई,
कमलकांत शुक्ला बी, बिल्कुल भाई बी आएगा, क्या आएगा बी आएगा, ठीक है आगे चलो। किसी कूट भाषा में ये कहा जाए, ठीक है, तो किसका 5 × 8 + 40 − 5 / 5 इसका निकालना है, देखना भाई क्या कहा जाए, किसी कूट भाषा में प्लस को क्या कहा जाए, माइनस कहा जाए, तो प्लस की जगह क्या लगा दो, माइनस लगा दो, इसके बाद में माइनस को भाग कहा जाए, तो माइनस को क्या कर रहे हैं, भाग कहा जाए, भाग लगा दिया, गुणा को यदि प्लस कहा जाए, इसको प्लस कर दो भाई, तथा भाग को गुणा कहा जाए, भाग को गुणा कहा जाए, अब क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे ये आ जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ पे, फिर गुणा करेंगे 8 × 5 = 40, यहाँ तक का खेल खत्म, 40 आ गया। अब देखिए पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, पहले जोड़ लेंगे, जोड़ लो भाई, ये जब जोड़ेंगे माइनस का 40, ठीक है माइनस का 40 क्या भाई, माइनस को 27 आएगा भाई, देखो जरा इसमें क्या किया, फिर अब ये क्या था, माइनस का 40 हो गया, प्लस का 5 हो गया, ठीक है प्लस का 5 इसमें से घटा दो भाई, 8 ये दोनों जो ऐड होंगे ना, 8 × 5 = 13 में ये घटा दो, जब ये 13 में माइनस 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 27, ठीक है बी नंबर सही है, क्लियर है, आगे चलें, आगे का क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 26 है, आपको एक 1 ABCD दी गई है, इसमें से क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 22 समझ नहीं आया, ठीक है बता देंगे, बिल्कुल परेशान ना हो, पहले ये क्वेश्चन करो, पहले ये क्वेश्चन देखो, 22 बता देंगे, ठीक है 30 क्वेश्चन है बेटा, 30 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बाकी आपके, देखो जरा इस क्वेश्चन में हम जब देख रहे हैं ए बी और सी में डी में, तो सब में देख रहे हैं हो क्या रहा है, ये जो ये है दिख रहा है आपको, ये क्या क्लॉक वाइज रोटेट हो रहे हैं, हो रहे हैं भाई क्लॉक वाइज, ये कहाँ रोटेट हो रहे हैं, क्लॉक वाइज रोटेट हो रहे हैं, इसमें भी क्या हो रहा है भाई क्लॉक वाइज, इसमें क्या हो रहा है उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है एंटी क्लॉक वाइज, तो यही क्या डिफरेंट है, क्या भाई डिफरेंट है, ठीक है भाई क्लियर, आगे चलो डी नहीं बी होगा, देखो भाई अब इसमें क्या करना है, उत्तराकृति मिरर रखा है नीचे, मिरर दिख रहा है, मिरर दिख रहा है भाई, मिरर जो रखा है उसमें क्या होगा, पलटेगा, पलटेगा तो ये कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ये भी ऐसा बनेगा, सिंपल है भाई, और ये किसमें मैच हो रहा है, सी में मैच हो रहा है, तो सी हो गया, ठीक है भाई चलो बहुत सही जबरदस्त आंसर भाई, असंगत चुने, असंगत बताना है भाई, ए 1 2 3 4 1 2 3 4 में कौन सा डिफरेंट है, मयंक चतुर्वेदी 3 × 3 = 33 अच्छा 3 आ गया भाई, 3 देखो भाई 3 आएगा, क्यों, क्योंकि देखो इसमें जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है उतनी क्या है वर्टिकल लाइंस है, इसमें भी क्या है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का सेम है, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का सेम है, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का सेम नहीं है, 3 और 4 का रेशियो है, 3:4 है, इसमें क्या था भाई 1:1 मतलब 1:1 थी, इसमें 3-4 है, इसमें 2-2 थी और इसमें कितनी थी 2-2 थी, तो भाई क्या ये अलग हो गया, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो भाई, क्या समझ में नहीं आ रहा है भैया बता दो, क्वेश्चन नंबर 29 देखे हो, क्वेश्चन नंबर 29 देखो भाई, लास्ट सोल, क्या समझ में नहीं आया भाई, विजय गुर्जर कोई बात नहीं, कृष कुमार लेट हो गए कोई बात नहीं, चलो देखो भाई ए बी सी डी, ये ए है ये बी है ये सी है ये डी है, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जब हमने देखा तो हमने देखा ये जो ये क्या है? इस तरह है, कहने का मतलब ये क्या है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या हो रहा है रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, अब ये ऐसा हो गया अब ये ऐसा होगा अब कैसा होगा ऐसा होगा, अब देखते हैं ये जो बना हुआ है इसके दोनों ये जो छोर हैं किस तरफ है, अंदर की तरफ है, इसमें बाहर की तरफ है, इसमें फिर अंदर की तरफ, इसमें कहां होंगे बाहर की तरफ, और ये कहां पर मैच हो रहा है सेकेंड नंबर पर, क्लियर है भाई आगे चलें, बिल्कुल भाई बिल्कुल बी आ रहा है कमलकांत शुक्ला बिल्कुल सही जवाब, 30 नंबर का क्वेश्चन देखो भाई, 30 नंबर का क्वेश्चन देखो और ये बताइए क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, अमित गौर कमेंट्स पढ़ लिया करो सर, कमेंट्स पढ़ लेंगे समय भी तो देखो जरा,
आ गया थोड़ा सा समझ में? आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा बेटा, हर रोज आया करो, ठीक है, हर रोज क्लास में आया करो, पूरा पूरा समझ में आएगा, ठीक है, परेशान ना हो, बिल्कुल पूरा पूरा समझ में आएगा, राधे राधे। चलो चाहिए देखते हैं इसमें क्या किया गया है, क्या किया गया भाई, ये आकृति को क्या कर दिया गया, उल्टा करके, उल्टा कर दिया, ये जो ये इस तरह बना हुआ है फुलझड़ी की तरह, ये कहाँ गया, नीचे आ गया, तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा, ये कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा भाई। अब देखिए ऊपर की तरफ किसमें बनाए, एक तो इसमें बनाए, एक तो इसमें बनाए, ठीक है भाई, एक ये दोनों कट गए। अब देखो अब हुआ क्या था, ये बाहर था इसमें अंदर आ गया, इसमें बाहर है इसमें अंदर आएगा, अब इसमें बाहर है तो ये गलत हो गया, इसमें सही अंदर है, ये सही, तीसरा सही है, बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत? अच्छा क्रिस कुमार, तीसरे को लॉक किया जाए, अनुज ऑफिशियल, श्यामवीर यादव, कमलकांत शुक्ला, सबका आंसर सही है भाई, बिल्कुल मयंक चतुर्वेदी, क्या भाई चौधरी, सॉरी मयंक चौधरी, बिल्कुल भाई सही है, आता है भाई मैथ कब से, आशुतोष रावत 3, ठीक है। अच्छा देखते हैं, अच्छा 22 नंबर का किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हमें 22 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अमित गौर, चलो भाई जो भी आपका फॉर्मूला हो हमें तो सिंपल सी, अच्छा आशुतोष रावत, चलो अच्छा भाई, चलो भाई राकेश कुमार क्वेश्चन नंबर 22 समझ में नहीं आया, देखो अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 22 हम आपको बता देते हैं, आपने अगर क्लॉक चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था क्लॉक पढ़ी होती तो बहुत अच्छे से आई होती, ठीक है। अब देखो जब मैंने क्लॉक पढ़ाया था, चलो आ गया, अच्छी बात है, गुड इवनिंग अभिषेक शर्मा, चलो अच्छा ये देखो हम क्या करते हैं, ये कितना लिखा हुआ 3:20, 3:20 मैंने आप लोगों को बताया था, जो एक क्लॉक होती है, एक क्लॉक कितनी की होती है, टोटल होती है 360 डिग्री की, इसमें 12 खाने होते हैं, कहने का मतलब है एक खाना 30 डिग्री का होता है, ध्यान देना जरा, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, भाई 12 खाने होते हैं, टोटल सर्कल होता है 360 का सर्कल होता है, 12 खाने 30 डिग्री, एक खाना मतलब 2 से 3 के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, 30 डिग्री का, 3 से 4 के बीच में 30 डिग्री का, इसी तरह हम क्या करते हैं, क्या है इस 20 को हम 4 लिख सकते हैं, कहने का मतलब क्यों, क्योंकि ये मिनट में है और ये किसमें है, आर में है, किसमें आर में है, हमें एक ही यूनिट में करना होता है, तो मिनट में हम 4 में होगा तभी तो 20 मिनट होंगे, 4 में होगा जब छोटी वाली सुई 4 में होगी, तो कहने का मतलब बड़ी वाली सुई कितना होगा, 4 पे होगी तो 20 मिनट होंगे, तो हम 4 लिख सकते हैं, इतना समझ में आ गया। कृष कुमार सही है बेटा, समझ में आ गया, लेकिन जिसे नहीं आया वो देखो, ठीक है, जिसे नहीं आया वो देखो, 3 से अब हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस लेंगे, 3 से 4 में गए तो माइनस का 1 आया, माइनस का 1 से हमें ये इंडिकेट करता है, अब हम क्या करेंगे इसे 1 में 30 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 30 डिग्री आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो मिनट होता है इसका आधा करके घटा देते हैं, आधा करके जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, अपने हमने यहाँ घटा क्यों है, क्योंकि ये जो इसका डिफरेंस था वो माइनस में आया था, क्या आया था, 3 से 4 को घटाएंगे तो माइनस में आया था, इसलिए हमने इसको घटा दिया, अगर यहाँ पर प्लस आया होता, कहने का मतलब अगर यहाँ 4 और यहाँ पे 3 होता तो हम यहाँ 10 जोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे ताकि 20 डिग्री आपका आ गया। अगर फिर भी समझ में ना आया तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक काम करिए, आपका हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल बिल्कुल होगा भाई, परेशान ना हो, आप शाम को आप एक काम करिए, क्लॉक का जो चैप्टर पढ़ाया था वो देख लो, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया, ठीक है भाई, तो सभी लोगों को समझ में आ गया, आ गया गुरुदेव, चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है, जिसको आ गया बहुत अच्छी बात है, अगर ना आया हो तो हम फिर से बता देंगे आपको बाद में, या क्लॉक का चैप्टर देख लीजिए, ठीक है भाई, चलो अच्छा, तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे बाद में, ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है, नए क्वेश्चंस के साथ में, और आप लोग अपनी मन से पढ़ाई जारी रखिएगा ताकि आपको एफर्ट्स निकालना है पूरे जोश के साथ, ठीक है भाई, चलो बाय बाय, बिल्कुल क्लॉक चैप्टर देख लेंगे सर, बिल्कुल जिसको भी अगर समस्या हो क्वेश्चन में तो आप क्लॉक का चैप्टर देख सकते हैं, ठीक है, चलो बाय बाय गाइस, थैंक यू, क्लास अगर प्रिपेयर हो गई तो शाम को क्लास आपको जरूर होगी, ठीक है, बाय बाय गाइज़।